आज हम आपको बताएंगे ऐसी स्त्रियों के बारे में जो ससुराल पक्ष के लोगों के लिए अशुभ साबित होते हैं। पहला, स्त्री का दर्जा। भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। ये बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सुलूक करता है वो भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौभ्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जा सकती है, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो ये भी जरूरी नहीं है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच ना आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षिणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। कुल लक्ष्मी की पहचान। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती है और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वो महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वो अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती है। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वे उत्तम मानी गई हैं। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय गड्ढे पड़ते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वो महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे और ना ही ऐसी कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। ये एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या ना करना आपकी अपनी सोच और अनुभवों पर निर्भर है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। ऐसे और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डॉक मिस्ट्री।